चांद पर चंद्रयान को गए 5 दिन का वक्त बीत चुका है। लैंडर और प्रज्ञान दोनों अपने अपने काम पर जुटे हुए हैं। प्रज्ञान हर रोज चांद की सतह को लेकर नई नई जानकारियां भेज रहा है। ये वो जानकारियां हैं जिससे अब तक पूरी दुनिया अनजान थी। वजह भी साफ है, प्रज्ञान चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर चहलकदमी कर रहा है वहां इससे पहले दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंचा था। प्रज्ञान कुल 14 दिन तक काम करेगा और चांद के उन रहस्य को उजागर करता रहेगा जो अब तक दुनिया के लिए पहेली थे। 14 दिन इसलिए क्योंकि इसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि लैंडर और रोवर दोनों सौर ऊर्जा से काम करते हैं इसीलिए अंधेरा होने के बाद वो निष्क्रिय हो जाएंगे। इस बीच चांद पर घूम रहे प्रज्ञान के खतरे से सामना हुआ है। हालांकि समय रहते इस खतरे को भाप लिया गया और प्रज्ञान सुरक्षित आगे बढ़ गया। इसरो ने खुद ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है। इसरो ने अपने नए ट्वीट में लिखा है, 27 अगस्त 2023 को रोवर अपनी जगह से 3 मीटर आगे चला जहां उसे 4 मीटर डायमीटर वाला गड्ढा मिला। रोवर को तुरंत वापस लौटने का आदेश दिया गया। अब ये सुरक्षित रूप से एक नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसरो ने अपने ट्वीट के साथ 2 तस्वीरें भी साझा की हैं। पहली तस्वीर उस क्रेटर की है जिससे प्रज्ञान का सामना हुआ था। नेविगेशन कैमरे में कैद इस तस्वीर में आप क्रेटर को साफ साफ देख कर समझ सकते हैं। 4 मीटर डायमीटर और 100 मिलीमीटर गड्ढे को देखते ही प्रज्ञान संभल गया। इसरो से उसे तुरंत पीछे हटने का कमांड मिला। प्रज्ञान ने कमांड को समझा और तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिए। इस तरह प्रज्ञान एक बड़े खतरे से बच गया। इसरो की साझा की गई दूसरी तस्वीर में चांद की सतह पर उस रास्ते को देखा जा सकता है जिससे प्रज्ञान आगे बढ़ा था और फिर गड्ढा देख कर वापस आया था। इस तस्वीर में चांद की सतह पर प्रज्ञान के पैरों के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। बड़े गड्ढे से प्रज्ञान के बच निकलने के बाद इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली। प्रज्ञान रोवर पहली चुनौती से निपटने में तो कामयाब हो गया लेकिन अगले 9 दिन प्रज्ञान के रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां आएंगी। लैंडिंग के बाद इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने भी रोवर और विक्रम को लेकर अंदेशा जताया था। इसरो चीफ ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा था कि चांद पर वायुमंडल नहीं है, ऐसे में कोई भी वस्तु चंद्रयान 3 को हिट कर सकती है या फिर उसे टक्कर मार सकती है। इसके अतिरिक्त थर्मल प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की समस्या भी आ सकती है। उन्होंने ये भी चिंता जाहिर की कि अगर कोई क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड या दूसरी कोई वस्तु बहुत तेज गति से चंद्रयान 3 से टकराती है तो लैंडर और रोवर दोनों खत्म हो जाएंगे। इससे पहले प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह के तापमान से जुड़ा एक ग्राफ रविवार को इसरो को भेजा था। ये विक्रम लैंडर पर चेस्ट पिलोट का पहला ऑब्जर्वेशन था। प्रज्ञान के भेजे इस डेटा से इसरो के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। वैज्ञानिकों का अनुमान चांद की सतह पर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान का अनुमान था लेकिन प्रज्ञान ने जो डेटा भेजा वो इससे बिल्कुल अलग था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कहीं तापमान -10 डिग्री था तो कहीं -70 डिग्री। अगले कुछ दिनों में ऐसी और भी कई जानकारियां सामने आएंगी जो ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी चौंकाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।